इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। हम लोग जब भी डोमिनोज पर पिज्जा पैक करवा कर घर लाते हैं तो पिज्जा वाले हमसे कैरी बैग के एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, और यकीन मानिए ये पैसे देते समय मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन इन दिनों चंडीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल हुआ यूं कि डोमिनोज को 14 रुपए का कैरी बैग एक साल बाद 10 लाख रुपए का पड़ा। चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम के आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती देना डोमिनोज पिज्जा बेचने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड को काफी महंगा पड़ गया। स्टेट कमीशन ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराते हुए दो अलग अलग मामलों में डोमिनोज पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टेट कमीशन ने कैरीबैग के लिए पैसे लेने पर कड़ी फटकार भी लगाई है, और स्टेट कमीशन ने कहा है कि कंपनी लोगों की मजबूरी का फायदा न उठाए, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी है कि वो पिज्जा को पहले से ही एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करवा कर उपभोक्ता को देते हैं, ऐसे में वो किसी को कैरीबैग देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्टेट कमीशन ने उनकी इस दलील को नहीं माना, और सेक्टर 28 सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर 8 सी स्थित डोमिनोज जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा, दो रेगुलर पिज्जा के लिए 306 रुपए मांगे गए। वकील पंकज चांद गोठिया ने जब बिल देखा तो उसमें करीब कैरीबैग के लिए 14 रुपए चार्ज किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोर में कहीं भी जिक्र नहीं किया था कि कैरीबैग के अलग से पैसे चार्ज किए जाएंगे। कैरीबैग के दोनों ओर डोमिनोज के लोगो प्रिंट थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कस्टमर से कैरीबैग के लिए पैसे चार्ज करके कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है। एक अन्य शिकायतकर्ता जितेंद्र बंसल ने भी डोमिनोज के खिलाफ कैरीबैग के एवज में 14 रुपए वसूलने की शिकायत दी थी। फोरम ने 14 रुपए लौटाने व मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए 100 रुपए का मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए। साथ ही कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा करवाने के निर्देश दिए। डोमिनोज पिज्जा ने इन आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती दे दी। स्टेट कमीशन ने दो मामलों में अलग अलग जारी किए ये आदेश। कंपनी सामान खरीदने वाले अपने सभी ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग दे, शिकायतकर्ता से गलत तरीके से लिए गए 14 रुपए वापस किए जाए, मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न झेलने और मुकदमे के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 1500 रुपए का मुआवजा दिया जाए। कंपनी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा करवाए, और डोमिनोज पिज्जा को आदेश दिया है कि वो पीजीआई की गरीब रोगी कल्याण निधि में 4,90,000 रुपए जमा कराए। आपको बता दें कि कंपनी का अगर लोगो प्रिंट ना हो कैरी बैग पर तब भी कंपनी कोई भी उसमें चार्ज नहीं ले सकती है। अगर कैरी बैग सादा हो तो कंपनी उसके लिए पैसे नहीं ले सकती। फोरम ने एक आदेश में साफ किया है कि सामान को हाथ में नहीं ले जा सकते, उसे कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है, वो चाहे प्रिंटेड बैग दे या सादा। बाटा के एक पुराने मामले में फोरम ने अपने आदेशों में कहा था कि कंपनियां उपभोक्ताओं को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये सरासर धोखे के साथ अन्याय भी है। कैरी बैग लेने पर अब तक इन कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लग चुका है। बिग बाजार पर 11,518 रुपए, डोमिनोज पर 5 लाख रुपए, लाइफस्टाइल पर 13,000 रुपए, वेस्ट साइड पर 13,000 रुपए, डोमिनोज पर 10,500 रुपए और बाटा पर 11,000 रुपए का जुर्माना अब तक लग चुका है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।